हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ डीप फाउंडेशन। लाइक प्रीवियस न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल पाइल ग्रुप से रिलेटेड है। सो हम ग्रुप ऑफ पाइल से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं। पाइल्स को जनरली हम ग्रुप में ही यूज़ करते हैं, सिंगल पाइल बहुत कम यूज़ होती है। एंड ग्रुप में या तो हम स्क्वायर शेप में कर सकते हैं या सर्किल में कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं, बट इन क्वेश्चंस में हम ज़्यादातर स्क्वायर शेप में इनको अरेंज करेंगे। एंड जो हमारी अगर एक पाइल का जो अल्टीमेट लोड है वो क्यू यू है, तो सारी पाइल्स का जो लोड होगा वो क्यू यू जी हो जाएगा। एंड इस क्यू यू जी को हम इक्वल टू नंबर ऑफ पाइल्स एंड वन पाइल की जो अल्टीमेट लोड है उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। बट एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो है कि इस जो भी ग्रुप हमारे ऑफ पाइल्स हैं इसको एक ब्लॉक मान लें। लाइक यहाँ पे हम इसको एक स्क्वायर ब्लॉक मान सकते हैं, स्क्वायर ब्लॉक पाइल मान सकते हैं, एंड देन इसका जो अल्टीमेट लोड है वो हम निकालेंगे। इन दोनों के बीच हमें एक रिलेशन मिलता है जिसको हम ग्रुप एफिशिएंसी कहते हैं। ग्रुप एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। स्ट्रेंथ इन ग्रुप ब्लॉक मीन्स जो स्ट्रेंथ हमारी पाइल्स में है जब हम उसको एज अ ब्लॉक मानते हैं, अपॉन स्ट्रेंथ इन इंडिविजुअल पाइल। सेकेंड है जो ये सारे पाइल्स का जो स्ट्रेंथ जब हम इनको इंडिविजुअल मानेंगे, मीन्स एक का निकाल लेंगे एंड जो रिमेनिंग जितनी भी आए हों उनसे मल्टीप्लाई करके जो निकालेंगे वो हो जाएगा। सो ये है जब हम इसको एक ब्लॉक मानेंगे, ब्लॉक कंसिडर करके चलेंगे, एंड इसमें जब हम इनको इंडिविजुअल मानेंगे ये हमारी ग्रुप एफिशिएंसी होती है। एंड सेंटर टू सेंटर दो पाइल्स के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको हम स्पेसिंग बोलते हैं। एंड स्पेसिंग के रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं, लाइक फॉर पॉइंट बेयरिंग पाइल ये जो स्पेसिंग है मिनिमम 2.5 इंटू डायमीटर होनी चाहिए। फॉर फ्रिक्शन पाइल ये मिनिमम 3 इंटू डायमीटर होनी चाहिए। एंड फॉर लूज सैंड ये 2 इंटू डायमीटर मिनिमम इतनी होनी चाहिए। एंड अल्टीमेट लोड निकालने का जो तरीका है वो पुराना ही वाला है हमारे जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में लगाया है। आर क्वेश्चन इज डिज़ाइन अ पाइल ग्रुप टू कैरी 400 किलो न्यूटन इन क्ले विद अ कन्फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें जो एक ग्रुप ऑफ पाइल्स को डिज़ाइन करना है जो कि इतना लोड बियर कर रहे हैं, एंड हमें दे रखा है कि जो सॉइल है हमारी वो क्ले है एंड अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ जो है वो 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एडहेशन कॉन्स्टेंट मे बी टेकन एज 0.6, हम इसको 0.6 ले सकते हैं। द पाइल्स आर ऑफ साइज, हमें जो पाइल का साइज़ दे रखा है वो 300 mm एंड 6 मीटर लॉन्ग दे रखा है, मीन्स 300 mm डायमीटर एंड 6 मीटर लॉन्ग। एज्यूम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। इस क्वेश्चन में हमें ग्रुप ऑफ पाइल्स डिज़ाइन करनी है जिस जो इतना लोड कैरी करेंगे। एक पाइल नहीं इतना कर सकती, इसलिए ग्रुप ऑफ पाइल्स करनी है। तो हमें निकालनी है कि कितनी पाइल्स होंगी एंड वो किस टाइप से अरेंज करें। हम यहाँ पे स्क्वायर शेप में ही अरेंज करेंगे क्योंकि वही हमने पढ़ रखा है। एंड सारी चीज़ें निकालनी है, लाइक इनके बीच स्पेसिंग कितनी होगी, जो हमारा अगर हम इसको स्क्वायर शेप में बनाएंगे तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, इस टाइप से चीज़ें निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है, लाइक कन्फाइंड स्ट्रेंथ दे रखी है 60, इसकी हेल्प से हम सी निकाल लेंगे। हमें अल्फा दे रखा है 0.6 एंड जो अलाउबल लोड है वो 400 किलो न्यूटन दे रखा है। बट जो हमारे पास फार्मूले हैं वो तो अल्टीमेट लोड के लिए हैं, तो हमें पता है अल्टीमेट लोड एंड अलाउबल लोड के बीच ये रिलेशन होता है। अलाउबल लोड इक्वल टू अल्टीमेट लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ पर ये जी मीन्स ग्रुप की बात कर रहे हैं। सो हमें ये दे रखा है 400, इसकी हेल्प से हम क्यू यू जी निकाल लेंगे, डेट इज़ 1000 किलो न्यूटन। एंड नाउ नंबर ऑफ़ पाइल्स हम कैसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ पाइल्स जो टोटल ग्रुप है हमारे पाइल्स का उसका कितना अल्टीमेट लोड होगा अपॉन सिंगल पाइल का, इसकी हेल्प से हमारे पास नंबर ऑफ़ पाइल्स आ जाएंगी। यहाँ पे हमने ये तो क्यू यू जी तो ऊपर निकाल लिया, अब हमें निकालना है सिंगल पाइल लोड कैपेसिटी कितनी होगी। सो फॉर सिंगल पाइल लोड कैपेसिटी क्यू यू का फॉर्मूला हमें पता है अल्टीमेट लोड के लिए जो होता है, दैट इज़ दिस वन प्लस दिस वन, दिस इज़ एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। सॉइल हमारी क्ले है इसलिए हम ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। क्यू यू पी का फॉर्मूला सी एन सी, एंड यहाँ पे जो हम एन सी की वैल्यू है वो 9 मानते हैं, तो 9C हो जाएगी इंटू ए बी, जो ये है ये बेस का हमें पता है बेस का एरिया है, एंड क्यू एफ क्ले के केस में अल्फा सी होता है, एंड ए एफ ये जो हमारा टोटल एरिया है सरफेस एरिया उसको रखना है हमें। सो
सी की वैल्यू हमें 30 दे रखी है, एन हमें एन सी हम 9 लेते हैं, एंड ए बी हम ये सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, बट यहाँ पे हमें डी पता है इसका तो हम पाई बाई 4 डी स्क्वायर रख सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमें 0.6 दे रखी है, सी हमने निकाल लिया 30, एंड ए एफ मीन्स अब हमें ये सारा सरफेस एरिया चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसके पैरीमीटर से लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। पैरीमीटर जो होता है वो पाई टू पाई आर होता है, बट यहाँ पे हम डी ले रहे हैं तो पाई डी इंटू लेंथ एल हो जाएगा, पाई डी इंटू एल। इसको सॉल्व कर लेंगे, वी गेट 120.8115 किलो न्यूटन, मीन्स सिंगल पाई लोड कैपेसिटी जो हमारी होगी वो 120.8115 किलो न्यूटन होगी। नाउ हमें क्यूयूजी एंड सिंगल पाइल लोड कैपेसिटी दोनों ही पता है, इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ़ पाइल्स निकाल लेंगे कि हम नंबर ऑफ़ पाइल्स हमारे पास कितनी होंगी। 1000 अपॉन 120.8115, इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी गेट 8.277, इसको हम अप्रॉक्स 9 पाइल्स मान सकते हैं। मीन्स जो हमारे ये 400 किलो न्यूटन लोड है इसके लिए हमें 9 पाइल्स अरेंज करनी होंगी। 9 पाइल्स को अरेंज करने का जो तरीका है वो कुछ इस टाइप से ही है कि 3x3 के पैटर्न में अरेंज किया जाए। इसको जब हम इस टाइप से अरेंज कर लेंगे तो हमें निकालना होगा कि ये जो लेंथ है बी निकाल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम फिर एस जो स्पेसिंग है इन दोनों के बीच वो निकाल लेंगे। सो कंसीडरिंग ऑल 9 पाइल्स एज अ ब्लॉक, इसको हम ब्लॉक की तरह इस टाइप से कंसीडर करेंगे। सो हमारे क्यू यू जी मीन्स ग्रुप में जो पाइल्स हैं उनका जो अल्टीमेट लोड हो जाएगा वो ये हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारी ए बी एंड क्यू यू पी एंड क्यू एफ तो सेम रहेंगे, बट ए बी एंड ए एफ चेंज हो जाएगा बिकॉज अब हमारे पास ये स्क्वायर शेप है। सो बी स्क्वायर मीन्स जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो उसका एरिया इंटू अब इस पाइल का जो एरिया होगा सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन का पैरामीटर 4b इंटू लेंथ 6। एंड क्यू यू जी जो हमने निकाला है वो हमारा 1000 है तो 1000 यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे हमें सी एन सी अल्फा सी सारी चीज़ें पता है, बस हमें बी नहीं पता है, तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल इसकी हेल्प से हम बी निकालेंगे जो हमें मिलेगा 1.0079 अप्रॉक्स, इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स 1.008 मीटर। बट पाइल्स को डिज़ाइन ग्रुप ऑफ पाइल्स को डिज़ाइन करने के लिए हमें बी नहीं चाहिए होता, जो हमने बी निकाला वो ठीक है वो भी चाहिए होता है, बट जो मेन होता है वो हमें स्पेसिंग चाहिए होती कि इनके बीच स्पेसिंग कितनी रखनी है। सो ये जो हमें बी मिला है इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस एस हो गई फिर ये डिस्टेंस एस हो जाएगी, एंड ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची है ये डी बाई 2 होगी डायमीटर का हाफ, और इधर भी डायमीटर का हाफ होगी, लाइक कुछ इस टाइप से जो मैंने लिख रखा है। तो इसको हम मीन्स जो हमारी बी आई है इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2 2s एंड dy2 इक्वल टू डी 2s प्लस डी इक्वल टू बी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू में 0.3 पता है, एक इक्वेशन है एक वेरिएबल है तो हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, डैट इज़ s इक्वल टू हमें मिलेगा 0.354 मीटर। हमारी कैलकुलेशन से हमें जो s मिला है वो इतना मिला है, बट एक बार हम इसको IS कोड के हिसाब से भी देख लेते हैं कि IS कोड को ये फॉलो कर रहा है या नहीं। अकॉर्डिंग टू IS कोड फ्रैक्शन पाइल में जो हमारा मिनिमम स्पेसिंग है वो 3x डायमीटर होनी चाहिए, मीन्स हमें मिनिमम स्पेसिंग इक्वल टू 3x डायमीटर, दैट इज़ 3x डायमीटर 0.3 इक्वल टू 0.9। अकॉर्डिंग टू IS कोड हमें इतनी मिनिमम प्रोवाइड करनी चाहिए, बट जो हमारी मिनिमम आ रही थी वो कम आ रही, जो हमने कैलकुलेशन करके निकाली थी वो 0.354 थी, बट मिनिमम 0.9 है इसलिए हम 0.9 अकॉर्डिंग टू IS कोड प्रोवाइड करेंगे। हेंस ग्रुप ऑफ पाइल्स जो हम अरेंज करेंगे वो कुछ हमारे पास टोटल 9 पाइल्स होंगी 400 किलो न्यूटन लोड के लिए, उनको हम इस टाइप से अरेंज करेंगे जो हमारे ये स्क्वायर बनेगा इसकी जो साइड होगी बी इक्वल टू इतनी होगी, एंड इन दोनों की भी जो हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे वो 0.9 मीटर प्रोवाइड करेंगे। सॉरी ये बी तो हमारी कैलकुलेटेड है जो कि 0.354 मीटर स्पेसिंग के लिए थी, तो ये बी नहीं होगी। यहाँ पे जो स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे वो हम 0.9 करेंगे, तो 0.9 प्लस 0.9 ये तो ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स जो हमारी साइड की लेंथ आएगी वो ज़्यादा आएगी। स्पेसिंग 0.9 हम प्रोवाइड करेंगे एंड जो टोटल नंबर ऑफ़ पाइल्स हैं वो हम 9 होंगी हमारी। सो ग्रुप ऑफ पाइल्स को डिज़ाइन करने के लिए हम इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस केस में जो हमारा 400 किलो न्यूटन लोड है
तो जो हमारी हम ग्रुप ऑफ पाइल्स करेंगे वो उसमें 9 पाइल्स होंगी एंड उनके बीच जो स्पेसिंग रखेंगे वो 0.9 रखेंगे। थैंक यू।